एक बार की बात है, एक शहर में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी साथ में ही की थी और फिर दोनों ने ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करने की सोची। लेकिन अलग अलग कंपनी में 10 से 12 साल बाद उन दोनों ने किसी कारण से जॉब छोड़ दिया। एक ने एक कंपनी खोल ली, वहीं दूसरा जॉब के लिए कई जगह इंटरव्यू देने लगा, लेकिन कहीं नहीं मिली नौकरी। एक दिन किसी कारण से पता चला कि उसके दोस्त ने भी एक कंपनी खोली है और वो वहाँ गया और उसे वहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन वो दोनों आपस में मिले तो दूसरे दोस्त ने पहले से पूछा, अरे भाई तू और मैं दोनों साथ में ही अपनी ज़िंदगी बिताई है, साथ में ही अपनी पढ़ाई की है, और फिर भी तू एक कंपनी का सीईओ और मैं तेरी ही कंपनी में जॉब करता हूँ, तूने ये सब कैसे कर लिया? तो दूसरे दोस्त ने बताया, शायद तुझे याद नहीं होगा, एक बार हम अपने रूम पर से ट्यूशन जा रहे थे और हम भूल गए थे कि पंखे को भी बंद करना है। तो उस दिन तूने कहा था, अरे छोड़ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मालिक का ही पैसा जा रहा। उस दिन भी मैं पंखे को बंद कराया था। मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि उस दिन भी मैं मालिक की तरह सोचता था और मैं आज भी एक मालिक की तरह सोचता हूँ। इसलिए जब तक आप एक मालिक की तरह नहीं सोचेंगे, तब तक आप कभी भी मालिक नहीं बन पाइएगा।